नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में मौजूद भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजाया गया है। चार तस्वीरें आपकी चार्जर स्क्रीन पर। भक्तों में भारी उत्साह है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने लगे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बता दें कि आज श्री कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कान्हा नगरी में शाम से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा वृंदावन में भारी भीड़ है। वहीं कारीगरों ने वृंदावन मथुरा के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया है। भक्त इस बार कारागार के दर्शन कर सकेंगे। कारागार के बाहर पहरेदार भी तैनात होंगे। उन पहरेदारों के सोने की लीला भी होगी। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी के साथ दही हांडी भी मनाया जा रहा है। देश की कई जगहों पर गुरुवार को भी जन्माष्टमी मनाई गई। आज सुबह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के साथ मंगल आरती भी की गई है। भक्तों में भारी उत्साह है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं। रात के 8वें मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12:05 के बाद 12:45 तक मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नाथ द्वारा और इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर्व मनेगा। लोग अपने घरों में भी इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल लगातार दूसरे साल मथुरा में जन्माष्टमी मनाएंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत वृंदावन से होगी। सीएम योगी यहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे और अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण भी कर सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। बाल गोपाल की मूर्तियों से बाजार भरे हुए हैं। ऐसे में पल पल की अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा घर घर जो बाल गोपाल हैं उनकी पालकियां सजती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। 2 साल कोरोना काल की वजह से दही हांडी जैसी प्रतियोगिताएँ और इसके अलावा बड़े बड़े जो पांडाल हैं वो नहीं लगाए गए थे, लेकिन इस साल भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल से ही भक्त जो हैं वो कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, बरसाना हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, हर जगह पर कृष्ण की धूम जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा स्कूलों में भी राधा कृष्ण बनकर छोटे छोटे मासूम बच्चे पहुंच रहे हैं, कृष्ण लीलाएं दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर इस्कॉन मंदिर की हम बात करें तो इस्कॉन मंदिरों में भी आज रात जन्मोत्सव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वैसे कुछ लोगों ने कल भी कृष्ण जन्माष्टमी बनाई है, क्योंकि इस बार 2 दिन को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ था। कुछ लोगों ने कल कृष्ण जन्माष्टमी बनाई, लेकिन आज मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में 12 बजे कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और मथुरा से मेरे सहयोगी पिंटू मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मथुरा में किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है, ये हम जानेंगे पिंटू से। पिंटू, कैसी तस्वीरें हैं, कितना भव्य उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? पिंटू, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से पिंटू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें जहां पर तैयारियां बखूबी देखी गई। सुंदर सुंदर वस्त्र यहाँ पर कान्हा जी और राधा जी को चढ़ाए गए हैं। छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे मासूम बच्चे बाल गोपाल बने हुए नज़र आ रहे हैं। हर किसी के मन में अलग ही उत्साह है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों में मनाई जाती है। दही हांडी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता हर साल की जाती है। और ये इस्कॉन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस्कॉन में भी रंग बिरंगी लाइटें, फूल सजाए गए हैं और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें। और हर कोई यही कह रहा है कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के जिन्होंने कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना ली थी। और एक बार फिर मैं रुक करूंगी पिंटू का। पिंटू,
आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पिंटू मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए शोर बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, उमंग बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क की परेशानी भी हो रही है जिसकी वजह से संपर्क में नहीं कर पा रही हूँ अपनी सहयोगी से, लेकिन लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचेंगे। यहाँ पर जो जन्मोत्सव है उसमें शामिल भी होंगे। लगातार दूसरा साल है जब योगी आदित्यनाथ कृष्ण महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म जो है वो 8वें मुहूर्त में हुआ था और इसलिए आज रात 12:05 के बाद 12:45 तक शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में तमाम मंदिरों खासकर की मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नाथ द्वार और स्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्म पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर कल से ही तैयारियां हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर आप बाज़ारों में निकलेंगे तो बाज़ारों में एक से एक मूर्ति आपको कृष्ण की मिल जाएगी। इसके अलावा तमाम सजाने का सामान भी बहुत मिल जाएगा। गली मोहल्लों में आप निकलेंगे तो छोटी छोटी पालकी पंडाल आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जहाँ पर कृष्ण की अनेकों लीला जो है उसका नज़ारा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सुबह से मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के साथ मंगल आरती भी आज की गई है सुबह से ही। आपको बता दें कि हर साल मथुरा में देश विदेश से जो लोग हैं वो कृष्ण जन्मोत्सव का इंतज़ार करते हैं और 2-3 दिन पहले ही मथुरा में भीड़ जो लगनी है वो शुरू हो जाती है। 2 साल से नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो मथुरा में खासा उत्साह है। व्यवसायी भी काफ़ी खुश हैं, जो पटरी दुकानदार हैं वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक भी पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण की आस्था है वो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में देखी जा सकती है। हमारे देश में कई ऐसे विदेशी हैं जो सालों से ही कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और सिर्फ कृष्ण के होकर रह गए हैं। मथुरा में ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, तमाम ऐसे विदेशी मिल जाएंगे, चाहे वो महिलाएँ हैं चाहे वो पुरुष हैं। और मेरे सहयोगी दीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीप से मैं जानने की कोशिश करूंगी किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। दीप कैसी तैयारियां हैं, किस तरह की सुंदर सुंदर तस्वीरें आप हमें दिखाने जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, मैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के रामलीला मैदान में मैं हूँ, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बहुत सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें मैंने ऑलरेडी भेज दी है और तस्वीरें अंदर चलकर मैं दिखाता हूं और यहां के जो पुजारी हैं शास्त्री जी उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहां आयोजन किया जाए, कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, कितना हर्षोल्लास होता है, वो चीज मैं जो है बात करके आपको बताता हूं। आइए मेरे साथ चलिए, मैं अंदर दिखाता हूं। आइए मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं, अंदर बात करता हूं पुजारी जी से, कितना अच्छा माहौल होता है यहां पे। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं, अपने कैमरामैन से कहता हूं दिखाए कि किस तरीके से भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म होता है उस मंडप को किस तरीके से सजाया किया गया है। ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी मनमोहक है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। जी और बिल्कुल दीप, अगर हम बात करें तो संशय बना हुआ था, कुछ लोगों ने 18 तारीख यानी कि कल जन्माष्टमी का त्योहार बनाया है, आज भी देश भर में जन्माष्टमी की अलग ही धूम नजर आ रही है। अगर वहां के किसी पुजारी से बात हो सके कि ये दो मुहूर्त कैसे हुए, जिन्होंने कल जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया है उनके लिए वो कितना मंगलकारी होगा, आज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मथुरा में गोकुल में बरसाने में या अगर द्वारका की हम बात करें तो वहां पर आज ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो है उसकी तैयारियां देखी जा रही हैं। रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जी मैं बता दूं, मेरे साथ जो है राकेश शास्त्री जी हैं जो यहाँ पुजारी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके से जो है तैयारी की गई है, किस तरीके से जो है भगवान कृष्ण की जन्म को जो है मनाया जा रहा है, कितना भव्य होगा और कितने लोग यहाँ आएंगे, कितना। जी जी आपका बहुत ही सुंदर तरीके से लगभग एक हफ्ते पूर्व से तैयारी की जा रही है और रामलीला मैदान में इतनी सुंदर तैयारी की गई है और प्रसाद की व्यवस्था, भगवान जन्मोत्सव की सुंदर व्यवस्था और हम लोग साधारण परंपरागत तरीके से यहाँ उत्सव मनाएंगे और अपनी टीम के साथ यहाँ भाव भजन गाएंगे। बहुत ज्यादा
केवल कीर्तन भजन भाव से गाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे और कार्यक्रम की तैयारी भव्य हो चुकी है। केवल शाम की व्यवस्था बाकी है, जो केवल पूजन का समय बाकी है, बाकी सारी तैयारी जी। एक चीज और था, संघ से बना हुआ था कि कल के दिन में जो है भगवान कृष्ण की जो है जन्म मनाया जाना था, आज के दिन में मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो संशय था वो खत्म हुआ, आज के दिन में मनाया जा रहा है। देखिए, संशय की इसमें कोई बात नहीं है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का समय रात्रि 12 बजे है और भादों का महीना, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। और कल का जो संशय है, बताऊं मैं कि कल रात में 12:05 पे अष्टमी लगी थी रात में, और आज अष्टमी 1:05 रात्रि तक रहेगी। तो आज पूरा दिन और पूरा रात हम लोग उत्सव मनाएंगे, इसमें कोई संदेह और कोई संशय मन में नहीं। बिल्कुल दीप, और ये भी सामने आ रहा है कि 400 सालों बाद जो है एक अद्भुत संजोग जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे में विशेष पूजा कैसी हो, किस तरह से बाल गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए जब उनका जन्म होता है, मिठाइयाँ किस तरह की चढ़ाएं, किस तरह से उनका श्रृंगार करें, तमाम बातें अगर पुजारी जी बता सके तो। जी बिल्कुल, जरूर बताएंगे। मैं पूछता हूँ भगवान बालकृष्ण की श्रृंगार जो है, हमारे सौर्य सरकार की जितने भाव से श्रृंगार की उसमें श्रृंगार की कमी नहीं है। और दूसरी बात ये कि 56 प्रकार से भोजन और मलयागिर चंदन लगा करके हम लोग पहले भगवान कृष्ण का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद 56 प्रकार के भजन लगा। और जितना भी श्रृंगार, भजन गाने का तो समय है नहीं क्योंकि 20 मिनट लगाने, भजन भी सुनाते अच्छा लगा। और जितनी भी व्यवस्था की जाए, भगवान को स्नान कराएंगे, 450 से पूजन कराएंगे, धूप दीप नैवेद्य से पूजन कराएंगे और बाजी बाजी के सामने उत्सव मनाएंगे और मंगल गीत भी गाएंगे। जी आपको बता दें, पुजारी जी का कहना है कि भगवान कृष्ण के जन्म के दौरान जो है जो व्यवस्थाएं की गई है बहुत भव्य तरीके से की गई है। और मेरे सिद्धार्थनगर जिले में ये एक मंदिर का नहीं है, जितनी मंदिर है चाहे थाने बिल्कुल दीप और इसके अलावा बाजारों में मनाया जाता है, बहुत तरीके से होता है दीप, क्योंकि 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, पंडाल उतने बड़े बड़े तौर पर नहीं सज रहे थे, लोग क्योंकि नहीं पहुंच पा रहे थे, विदेशी पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। तो जो व्यवसायी हैं उनमें कितना उत्साह है, जो पूजा का सामान लगाते हैं, जो मूर्तियां बेचते हैं उनमें कितना उत्साह है, क्योंकि सुबह से ही या अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले से ही बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। जी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से जो है कोरोना काल में तो लोग दुखी थे, परेशान थे, उतने तरीके से बहुत तरीके से जो है कि कोई महोत्सव कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार जो है लोग बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, बाजार मार्केटों में खुशी है, दुकानदारों में भी, व्यापारियों में भी खुशी है, और हर जगह जो है बहुत भव्य तरीके से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, पंडाल बनाए गए, चाहे वो थाना हो या कोई मंदिर हो या कोई अपने निजी प्रस्थान स्थान पे जो है ये प्रोग्राम कर रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से मना रहा है, लोगों में बहुत ही ज्यादा खुशी है। जी बिल्कुल अदीब, और किस तरह से तैयारियां लोगों ने की हुई हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, उसके बाद फिर ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है वाकई बेहद खूबसूरत है, और फिर जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जी मैं आपको बता दूं कि जो है चाहे मंदिर हो या थाने हो, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजो सामान से सजाए हुए हैं, फूल मालाओं से जो है जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म होना है जो उनके लिए वो बनाई गई है, देखिए किस तरीके से सजाई गई है, कितना भव्य तरीके से, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पूरे जिले में हर जगह जो है सजावट की गई है और बहुत ही मनमोहक जो है दृश्य है, देखने से जो है बहुत अच्छा लगता है, और लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा घुमाए, देखिए जो लोग अभी तैयारी चल रही है, लोग खड़े हैं देखने के लिए जो है इस दृश्य को, और ये जो शाम का समय होगा जब जो है यहाँ पे तैयारियां पूरी हो जाएंगी और लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा होंगे जन्म के समय, वो तस्वीर कुछ और भी बयां करेगी। जी बिल्कुल दीप, अगर देखा जाए तो तैयारियां बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें खूबसूरत सामने आ रही हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ऐसी मनमोहक तस्वीरें दिखाने के लिए, और
सुंदर सा मंदिर दिखाने के लिए, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें लगातार जो है वो देश के कोने कोने से सामने आ रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी लगातार आपको अपडेट दे रहा है पल पल की किस तरह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, दही हांडी को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह की प्रतियोगिताएं रखी हुई हैं, इस्कॉन टेम्पल कितने खूबसूरत तरीके से सज चुके हैं, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने में किस तरह की धूम है वो भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाजारों में रौनक कैसी है ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।